और देखिए आपको बताते हैं कि 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट है। पश्चिमी चंपारण आपको बता रहे हैं, बिहार की अगर बात करें क्योंकि बिहार में भी कहर बरपा रही है क्योंकि नेपाल से मूसलाधार बारिश की वजह से बैराज का गेट खोल दिया है जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। ये सीतामढ़ी उससे लगता हुआ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर ये सीतामढ़ी शिवहर, यहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज भी है, सिवान है, साथ ही साथ सारण की अगर बात करें तो वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। वैशाली, पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी में भी अलर्ट जारी किया गया है। भोजपुर, ये वो 13 जिले हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है और लगातार वहां पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं, इधर से उधर जाने के लिए नाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है और अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में देखिए मधुबनी है, भोजपुर है, पटना भी इसमें है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो वहां पर तैनात कर दी गई हैं ताकि अगर वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। अभी इसके लिए सर्च जारी। और चलिए बात जम्मू कश्मीर की करते हैं जहां लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, जहां आपको बताएं कि भारतीय सेना लगातार मुस्तैद दिखाई दे रही है और घाटी में जिस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश ये आतंकी कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब भी देती दिखाई दे रही है। इस बीच फिर से कोशिश हुई है, किस तरह का जवाब दिया गया है रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। आतंक पर बड़ी चोट, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। अलर्ट पर घाटी, नहीं बचेंगे आतंकवादी। कठुआ और राजौरी की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक के खिलाफ भारतीय सेना किस कदर सतर्क है और लगातार एक्शन जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए खूंखार कमांडो की खास फौज घाटी में उतर गई है। भारतीय सेना के जाबांज जवान जंगलों में छुपे एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में बीती शाम एक बार फिर सेना और आतंकियों का आमना सामना हुआ। सेना को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि इलाके में कुछ संदिग्धों की मौजूदगी है। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकवादी घिरे हैं। जम्मू में 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। वहीं कठुआ में भी पिछले 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ। जब कठुआ में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली तो वहां पर जितने सुरक्षा बल है उन सब ने उस इलाके में घेरा डाला, सर्च की, और जब आतंकवादियों से आमना सामना हुआ तो बशीर ने अपनी शहादत दी। उसने एक आतंकवादी को भी मारा और एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको गोली लगी और उसकी शहादत हुई। आतंकियों को खींच इस बात को लेकर है कि जम्मू कश्मीर में आखिर शांति से चुनाव कैसे हो रहे हैं। यही वजह है कि दहशतगर्द घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड फेज के लिए सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, और इसमें जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हैं, क्यूआरटीज हैं, उनका सबका इंतजाम रखा गया है। और जो हमारे आतंकवादियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन हैं वो भी लगातार जारी है ताकि ये पीसफुल रहे।
भले ही आतंकी घाटी में शांति को भंग करने के फिराक में हो, लेकिन भारतीय सेना और हमारे जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। सभी चौकियों पर अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती के निर्देश हैं। सभी आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। और सबसे पहले बात करेंगे बेकाबू धार, डूबा बिहार। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, हजारों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं है, आसरा नहीं है। अचानक आई बाढ़ से हजारों लोग फंसे हुए अभी भी हैं। रांची और वाराणसी से 6 एनडीआरएफ की टीमें जो है वो बुलाई गई है। बिहार में अभी एनडीआरएफ की 12 टीमें और एसडीआरएफ की 22 टीमें लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और राहत बचाव के काम में लगी हुई है। लेकिन बिहार से बाढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। हालात दरअसल ये बन गए हैं कि जो हजारों गांव है यहाँ पर वो डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद जो तबाही का मंजर है वो भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है क्योंकि मकान, दुकान, बाजार और फसलें सब कुछ बर्बादी के कगार पर है। हजारों एकड़ जो फसलें हैं यहाँ पर वो बर्बाद हो गई है। जो फसलें कल तक लहलहा रही थी बस पानी में डूबी हुई है। गंगा और कोसी के चक्कर में यहाँ पे जो जिंदगी है वो फंसी हुई है क्योंकि जो जल प्रलय है नेपाल का वो यहाँ पहुंच गया है बिहार में। और बिहार के कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के कारण जो है हाहाकार मचा हुआ है। देखिए किस तरीके से लोग अपना सामान बांध करके जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो गए, घर बार छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने छतों पर शरण लिया है तो कुछ वहां से पलायन कर गए हैं। अब तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम बिहार के चार जिलों की, जहाँ पे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया और सुपौल, ये चार इलाके ऐसे, चार जिले ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ के पानी का जो तांडव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पुल हो,